एनआरसी के विरोध में आज भारत बंद को लेकर जहां जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहीं हरियाणा के करनाल में भी सीएए और एनआरसी के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। महिला नेत्री सोनिया तंवर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं व युवा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने धरना दिया एवं सीएए व एनआरसी को वापस किए जाने की मांग की। इसके उपरांत उपस्थित लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा और एनआरसी व सीएए को वापस लेने की बात कही। इस अवसर पर तहसीलदार राजबक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं मौजूद रहीं। आज किस चीज के लिए आपने धरना प्रदर्शन किया यहां पे? ये जो विरोध प्रदर्शन है ये एनआरसी और सीएए के विरोध में किया गया। आज मैं अपने देश की सरकार से ये हरियाणा की करनाल जिले की हम लोग समर्थन में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस कानून का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं। आज लोग दुश्मनों की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे हरियाणा में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो, तो हम लोग चाहते हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए और हमारे भारत में जो भाईचारा पहले बना हुआ था उसी को ही बने रहने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। ये है इनके नेतृत्व में आज हम वो कर रहे थे बहुजन मुक्ति मोर्चा, एक दूसरे को दुश्मनों की नजर से देख रहे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि इस कानून को वापस किया जाए और हमारे हरियाणा में भी शांति बनी रहे, इसीलिए हम लोग ये आए हैं। सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज आगे नहीं आ रहे हमारे यहाँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।